क्लास फिफ्थ चैप्टर थर्ड सब्जेक्ट कंप्यूटर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्रिएटिंग और टेबल, यानी टेबल को हम कैसे बनाएं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरिंग डाटा इन और टेबल, यानी उस टेबल में हम डाटा को कैसे इंटर करें और उस डाटा को कैसे उसमें हम रखें और उसकी कैसे बनाएं, हम आज ये पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें इंटरिंग डाटा इन और टेबल, इंटरिंग डाटा इन और टेबल का ये फिगर हमारा है, ये फिगर है। अब इसमें हम इंटर, पहले टेबल, तो टेबल हम आपको बताए थे कि हम टेबल कहाँ से बनाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हम आपको टेबल बताए थे कि हम क्या करेंगे, एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे। एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, किसमें, इंसर्ट टैब जो हमारा रिबन होता है, हम इसको रिबन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, हम रिबन कहते हैं। रिबन के इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट जब ओपन करेंगे तो उसमें एक ग्रुप मिलेगा टेबल, क्या मिलेगा उसमें ग्रुप, एक टेबल का ग्रुप मिलेगा। और टेबल के ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा, ऐसे बॉक्स बन के, हम बताए थे अगले वीडियो में कि एक बॉक्स बन के ऑप्शन आएगा, ऐसे ऑप्शन आएगा। अब इसमें हमको जितना कॉलम लेना है, जितना रॉ लेना है, बताए थे हम इसको कॉलम कहते हैं और इसको रॉ कहते हैं। इसमें से हमको जितना सेलेक्ट करना है, दो करना है, चार करना है, जितना हमको सेलेक्ट करना है उतना हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये सेलेक्ट करने के बाद, तो देखिए हमारा सेलेक्ट करने को क्या, जो हमारा स्पेस था, जो हमारा स्पेस था वहाँ ये क्या आ गया, इतना टेबल आ गया। इसको हम कॉलम कहते हैं और इसको रॉ कहते हैं। तो देखिए ये टेबल हमारा आ गया। टेबल आने के बाद अब इंटर इसमें करेंगे क्या, डाटा को, जो भी डाटा हो, या कंपनी का एम्प्लॉई डाटा हो, या स्कूल का फीस डाटा हो, कुछ भी डाटा हो, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंटर करेंगे। अब इंटर करने के लिए, इंटर करने के लिए क्या दिया हमको, देखिए यहाँ दिया है नेम, यानी आपको नाम, यहाँ नाम इंटर करना है। आप अपने हिसाब से टेबल बनाएंगे, यहाँ एम्प्लॉई नेम लिखेंगे या वर्कर नेम लिखेंगे, आप अपने हिसाब से क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उससे डाटा को इंटर करेंगे। पहला दिया नेम, दूसरा दिया है इंग्लिश नेम, इंग्लिश मैथ और यहाँ टोटल दे दिया, यानी जो जिसका नाम हो वो इंग्लिश में कितना मार्क्स पाया है और मैथ में कितना मार्क्स पाया है, हम इसको दर्शा रहे हैं। जैसे आप मार्कशीट में देखते हैं, जब नेट से आप मार्कशीट निकालते हैं तो कॉलम बन के आता है, ऐसे कॉलम बन के आता है, तो इसी तरह इसमें भी कॉलम है। तो देखिए यहाँ अमित इंग्लिश में क्या है 78 और मैथ में 83, ये नाम इंटर करिए करें। उसके बाद अंक इंटर करेंगे, कितना वो नंबर पाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैथ में भी इंटर वही करेंगे जितना हमको मार्क्स देना हो, यार उसका यहाँ टोटल जोड़ के भी हम यहाँ टोटल लिख सकते हैं, जितना होगा यहाँ हम टोटल जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए उसके बाद तन्वी, तन्वी का क्या है 91, इंग्लिश में 91 है और मैथ में 94 है। उसके बाद विराट, उसके बाद क्या हमारा विराट, विराट का इंग्लिश में 93 है और मैथ में 91 है। अब आप टोटल लिख सकते हैं। टोटल लिखने के बाद अब देखिए यहाँ एक बना है कर्सर, ये बना है, आप इसको कहेंगे कि ये बॉक्स बनाए दो, तो ये दो बॉक्स नहीं है, ये हमारा दो बॉक्स नहीं है। राइट साइड के लेफ्ट कॉर्नर पे हम डायरेक्ट यहाँ भी इंटर कर सकते हैं, इन दोनों को छोड़ के हम डायरेक्ट यहाँ भी माउस के, अरे जो माउस हमारा होता है, माउस का जो कर्सर होता है वो हम ये तीर को डायरेक्ट यहाँ ला के और माउस के लेफ्ट साइड से, अरे जो माउस का हमारा लेफ्ट साइड होता है, जैसे माउस है, माउस का जो ये साइड होता है लेफ्ट साइड, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे ही कर्सर हमारा दिखाई देगा। और ये कर्सर जब दिखाई देगा तो यहाँ हम कुछ भी अंक दर्शा सकते हैं, या मान लीजिए हम जीरो भी दर्शा, जीरो वन भी दर्शा सकते हैं, या कुछ भी अंक हम दर्शा सकते हैं। इन दोनों को छोड़ के तो जैसे देखिए फर्स्ट करके, यानी फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप करके इसमें दिया होगा, प्लेस द कर्सर इन और टेबल सेल्स। अब प्लेस द कर्सर, यानी जो माउस का कर्सर हो वो टेबल की कहीं भी जगह ले जा सकते हैं।
अब देखिए ये प्लस का भी चिन्ह यहाँ पे बना है, ये प्लस का भी चिन्ह बना, ये प्लस का चिन्ह जो होता है वो एडजस्ट करने के लिए होता है, क्या टेबल को लेफ्ट साइड एडजस्ट करेंगे या राइट साइड यानी दाहिने या बाएं साइड एडजस्ट करेंगे वो टेबल के लिए ये प्लस का सिंबल है। उसके बाद वेयर यू वांट टू इंसर्ट डाटा, उसके बाद हम क्या करेंगे डाटा को इंसर्ट करेंगे यानी उसमें लिखेंगे टू मूव बैक टू द प्रीवियस सेल अदर प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब। अब क्या करेंगे उसके लिए शिफ्ट प्लस टैब यानी ये एक शॉर्टकट की है, जो हमारा शिफ्ट प्लस टैब है वो क्या है शॉर्टकट की यानी शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में, एक कॉर्नर में मिलेगा एक अपर में मिलेगा, ये दोनों कहाँ मिलेगा हमारा लेफ्ट साइड में की और द लेफ्ट एरो की। उसके बाद हम लेफ्ट एरो की बता दाब सकते हैं, लेफ्ट एरो की हमारा कहाँ रहता है लेफ्ट एरो की राइट साइड में कॉर्नर पे मिलेगा यानी जैसे लेफ्ट एरो की जो होता है हमारा वो जो एरो की हमारा बना होता है वो ऐसे बना होता है एक बॉक्स में बना होगा, आप कीबोर्ड में कभी भी देख लीजिए ऐसे बॉक्स बना होता है और इसी में एरो की बना होता है, हमारा ऐसे करके एरो की बना होता है। अब इस एरो की के माध्यम से भी हम इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, कीबोर्ड के ये कीबोर्ड की इस बटन को दबाएंगे तो अगर हम अमित पे हैं तो उसके 78 पे आ जाएंगे, नीचे वाला दबाएंगे तो हम 91 पे आ जाएंगे। द अप एंड डाउन एरो की, इसको क्या बोलते हैं इसको अप बोलते हैं और इसको डाउन बोलते हैं यानी अप और डाउन एरो की, ये अप और डाउन एरो की हो गया, ये लेफ्ट एंड राइट एरो की हो गया। आर यू टू शिफ्ट द कर्सर टू द सेल एबव द ब्लो ऑफ करेंट सेल, अब इन कर्सर की के यानी इन सभी कर्सर की के माध्यम से हम क्या करते हैं करेंट यानी प्रेजेंट टाइम में जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ भी हम जा सकते हैं या उससे आगे भी जा सकते हैं। अगला हमारा है मॉडिफाई और टेबल एंड टेबल को मॉडिफाई करेंगे एंड टेबल की तरीका को बदलेंगे, जैसे मान लीजिए टेबल है इसको चाहते हैं 3D हो जाए, इसको चाहते हैं ये अपर ये डाउन हो जाए या तो इसको खड़े में यानी मॉडिफाई अलग अलग तरीके से हम इसको चाहते हैं। तो मॉडिफाई में देखिए यहाँ फिगर हमारा दिया है मॉडिफाई, यानी जब मॉडिफाई करेंगे तो फर्ज क्या करेंगे रिबन जो हमारा रिबन है ये रिबन जो है इसमें क्या करेंगे हम लेआउट टैब यानी डिजाइन के बाद हमारा एक लेआउट टैब होता है, डिजाइन के बाद क्या होगा हमारा लेआउट टैब, डिजाइन के बाद हमारा लेआउट टैब होगा, जब लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे जब इस पर क्लिक करेंगे तो सेम इसी की तरह एक बॉक्स ग्रुप ओपन होगा, ये सब अलग अलग ग्रुप है इसी की तरह एक ग्रुप ओपन होगा, इस ग्रुप जब ओपन होगा तो हम क्या करेंगे सेल साइज यानी इस पूरे टेबल को हम सेल या इसको हम सेल साइज बोलेंगे, जो नेम है अमित तन्वी विराट ये अलग अलग सेल हो गए, अभी सेल टाइप अभी सभी सेलों को क्या हमको सिर्फ इसको कलर करना है इसका अलग कलर ये अलग कलर, तो ये सब मॉडिफाई हो जाएंगे, ये सब हमारा टेबल मॉडिफाई हो जाएगा, ये दूसरा कलर रहेगा ये दूसरा कलर रहेगा ये 3D रहेगा ये 2D रहेगा ये कोई भी नहीं रहेगा, तो ये सब अलग अलग सेल हो जाएंगे। जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ऑटो शिफ्ट दिया है, ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, फिक्सड कॉलम, तो ये ऑप्शन आएगा। अब इस ऑप्शन में से हमको जो करना हो सेल को वो ऑप्शन पे जाएंगे और उससे हम अपना क्लिक करेंगे।